हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों का कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट है सिलेबस, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी आपकी सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाती है। जैसा हमारा इकोनॉमिक्स का सीरीज है डे 14, 21 डे सीरीज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स FI BCOM सेम टू, और इसी नाम से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे है ना जो लास्ट ईयर का प्लेलिस्ट देख रहे हैं। तो लास्ट ईयर में मैंने कुछ आई थिंक 14 टू 15 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए थे, बट ऑलमोस्ट आपके काफी कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं अभी तक। और मैंने बोला था हर एक बच्चा जिनको इकोनॉमिक्स में एक एवरेज मार्क्स स्कोर करना है तो 15 डेज की सीरीज फॉलो करो, और जिसको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ऑब्जेक्टिव्स को साइड रखते हुए वो 21 डेज की सीरीज। अब जिन बच्चों के कॉलेज में पेपर नहीं हुआ है उनकी बात कर लूं, और मेरे पास 3 क्वेश्चन पेपर शेयर किए गए हैं। कितने सर? 3 क्वेश्चन पेपर शेयर किए गए हैं, 3 बच्चों ने क्वेश्चन पेपर शेयर किया। वैसे ही मैंने बोला था जिन बच्चों के कॉलेज में पेपर हो जाता है क्वेश्चन पेपर शेयर कर दीजिए, एक आइडिया जैसे मुझे भी चल जाए ना, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिए कितने क्वेश्चन आए थे कितने क्वेश्चन नहीं आए थे, थोड़ा सा एक एनालिसिस हो जाए। 3 पेपर में से 2 पेपर में डिसिंग यूज का क्वेश्चन बना है, 2 पेपर में डिसिंग यूज का क्वेश्चन बना है। जो डिसिंग यूज आएगा ध्यान रखना, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पूछते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली पूछा जाता है, क्लियर है? मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली में अभी तक किसी पेपर में आया नहीं है और आपके सिलेबस में दिया भी नहीं है, बट इनकेस कभी आ गया तो साथ में इसलिए तीनों मार्केट पढ़ लेते हैं। एंड एक और डिस्टिंग्विश पूछा जाता है जो आज के लेक्चर्स में हम लोग नहीं कवर कर रहे, वो है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली मार्केट। अगर आप लोग ये टॉपिक से जैसे जो लेक्चर आप प्रोवाइड कराया जा रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बना लिए तो बेस्ट है, नहीं तो मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर उसके लिए लेके आ जाऊंगा। ध्यान रखना, अब ये डाउट नहीं होना चाहिए सर ऐसे ही लिखना है क्या एग्जाम में, ये तो शॉर्ट्स में लिखा है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख दिया है, सीधा पॉइंट्स लिख दिया, और इतने पॉइंट्स है। अगर आप जब मार्केट का डिस्टिंग यूज करने जाते हो, जिस बच्चे ने मीनिंग फीचर्स का कॉन्सेप्ट किया है तो सर डिस्टिंग यूज रटना नहीं है, डिस्टिंग यूज आपको रटना नहीं है, फीचर्स पढ़े हो, मीनिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ये बहुत आसान टॉपिक लगेगा, और नहीं पढ़ा तो उनके लिए तो सर ये प्रॉब्लम है। और ये लेक्चर्स वो बच्चे ना देखें जिन्होंने तीनों मार्केट जो हमारे मार्केट यहाँ पे दिख रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली मार्केट नहीं पढ़ा है, तो उन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। और जिन्होंने चारे वो मार्केट जो मैं पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ Day 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू ऑलरेडी स्टार्टिंग में, तो उनके लिए सर बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, पॉइंट एक टाइम रिविजन वाले जैसा कॉन्सेप्ट हो जाता है। चलिए बात करेंगे नंबर ऑफ सेलर्स हमारे कौन से सर लार्ज हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, क्योंकि कंडीशन क्या था सर, 4 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, सिंगल प्राइस रूल। तो ये मार्केट पहले ही बोलता हमारे यहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में स्टार्ट किया था तो लार्ज नंबर ऑफ, बट हमारा मोनोपोली, मोनो मीन सिंगल, पॉली मीन सेलर, तो यहां पे सिंगल सेलर है। मतलब सर अगर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आए तो ये पॉइंट नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि दोनों में लार्ज है, और हर एक बच्चे को इतना तो आइडिया होगा सर डिस्टिंग यूज का मतलब होता है दोनों में क्या डिफरेंस है वो लिखना है। तो मतलब सर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक आए तो आप लिख सकते हो, मोनोपोली परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो सेलर का लिख सकते हो, और एक पॉइंट जो मैंने नहीं लिखा वहीं से आपको स्टार्ट करना है। पहला आपका मीनिंग, मीनिंग जो आप मैंने स्टार्टिंग में करा दिया था वही पार्ट आप यहां पे उठा के कॉपी कर देना। चलिए प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछी जाएंगी। अगर आपने ये डिस्टिंग यूज किया तो ऑब्जेक्टिव्स की काफी प्रिपरेशन आपकी होगी। प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन में इसका मीनिंग ही बोला था सर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बायर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, ये हो गया सर होमोजेनियस। मोनोपोलिस्टिक में ये फीचर्स का पॉइंट है सर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट होना चाहिए, साइज में, कलर में, टेस्ट में, पैकिंग में, कहीं भी डिफरेंट होना चाहिए बट होना चाहिए। मोनोपोली मार्केट में दोनों प्रोडक्ट हमारे होते हैं सर, होमोजेनियस एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दोनों होता है, तो इंपॉर्टेंट है पढ़ लेना। ये तो कोई भी मार्केट का अगर पूछा गया डिस्टिंग्विश ये पॉइंट लिखना ही है, मतलब ये 100% है भाई, इसको लिखना है कोई भी मार्केट का पूछा गया तो 100% लिखना ही है ये पॉइंट, किसी का भी डिस्टिंग यूज बना तो। सर क्या प्राइस को लेके, प्राइस क्या है, परफेक्ट कंपटीशन जस्ट अभी बताया, 4 फीचर्स बार बार मेंशन कर रहा हूं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बायर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, सिंगल प्राइस रूल, इसका मतलब सर यूनिफॉर्म प्राइस रूल रहेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं नॉट यूनिफॉर्म प्राइस,
प्राइस सेम नहीं रहेगा। रीजन क्या है सर? रीजन है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इस मार्केट में प्रोडक्ट आपके डिफरेंट है, इसका मतलब सर प्राइसेस भी डिफरेंट रहेगा। बट हमारा मोनोपोली मार्केट बोलते हैं सर नॉट यूनिफॉर्म, यहां भी सेम नहीं रहेगा प्राइस। और उसका रीजन देते हैं कि भाई हमारे मार्केट में प्रोडक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आपने लेक्चर्स भी देखे हैं, ऑलरेडी फीचर्स पे पॉइंट्स भी देखा है आपने। क्लियर है सर? बिल्कुल है। सेलिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं सर। परफेक्ट कंपटीशन बोलता है जब सेम प्राइस है, सेम प्रोडक्ट है, तो भाई सेलिंग कॉस्ट पे पैसा क्यों लगाना है सर? सेलिंग कॉस्ट पे कोई पैसा नहीं लगेगा। मोनोपोलिसी कंपटीशन जितना पैसा लगा दो उतना कम है, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा हो गया ना, जितना ज्यादा एडवर्टाइजिंग आप करोगे उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट की सर डिमांड बढ़ने वाली है। वेरी सिग्निफिकेंट। मोनोपोली में नॉट रिक्वायर, रिक्वायरमेंट नहीं है। जब मैं अकेला ही सेलर हूं मार्केट में तो सर ऐड क्यों कराना, ऐड पे पैसा क्यों खर्चा करना, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एंट्री ऑफ फर्म, फर्म की एंट्री कौन से मार्केट में फ्री है, कहां पे बैरियर से, कहां पे कंप्लीट फ्रीडम दिया गया है, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोलता है फ्री एंट्री है भाई, फ्री एंट्री। कोई भी फर्म एंटर कर सकती है, कोई भी फर्म एग्जिट भी कर सकती है। बट यहां पे बोला गया है नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम, मतलब कंप्लीट फ्री नहीं है भाई, कुछ तो लीगल रिक्वायरमेंट होती है वो कर दो उसके बाद आप आ जाओ। मतलब फ्री है बट कंप्लीट फ्री आप ये नहीं बोल सकते हो कि अपनी मन मर्जी का पर्सन आए और जाए, वहां पे कंप्लीट फ्रीडम नहीं है। और मोनोपोली तो बोलता है भाई नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है इस मार्केट में, हमारे मार्केट में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए मोबिलिटी। मोबिलिटी में देखिए, उन बच्चों को 100% कॉन्सेप्ट समझ रहा होगा ना जिन्होंने फीचर्स का लेक्चर देखा है, मतलब जो बच्चे ऑलरेडी चारों मार्केट का डिटेल पढ़ के आए हैं। ये चीज मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूं और मेंशन कर रहा हूं इसीलिए कि क्योंकि काफी बच्चे ऐसे रहेंगे सर, बोलेंगे सर आपने तो जो लिखा है वो रीड कर दिया, कॉन्सेप्ट समझाया नहीं। कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट अब यहां एक्सप्लेन करेंगे तो भाई फीचर्स का लेक्चर देके आपको क्या बेनिफिट है, वहां पे तो हर एक पॉइंट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। यहां पे तो सिर्फ डिफरेंस आपको बताएंगे, ये डिफरेंस है। अब ये रीजन क्यों है सर, उस पॉइंट्स का क्या मतलब होता है, आपको कब समझेगा, जब आपने वो लेक्चर्स देखा है तो सर हमको समझ में आएगा, अदरवाइज कैसे समझ में आएगा। तो चलिए मोबिलिटी बोलते हैं परफेक्ट मोबिलिटी। मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन में आपने क्या देखा था सर, फीचर्स में देखा था ना परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को टू मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में। बट दोनों मार्केट बोलते हैं इम्परफेक्ट मोबिलिटी है, मतलब ऐसा कंप्लीट फ्रीडम आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे सर नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। ये मार्केट बोलता है परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, पॉइंट ही था ना परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए किसको सर, सेलर को, बायर्स को, स्पेशली बायर्स को, मार्केट कंडीशन के बारे में, प्राइस के बारे में, क्वालिटीज के बारे में 100% आइडिया होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल नहीं होता है। हर किसी बायर को प्रोडक्ट के बारे में 100% नॉलेज पॉसिबल नहीं है सर। बाकी दोनों क्या बोलते हैं सर, इम्परफेक्ट नॉलेज। तो आप इजी तरीके से याद कर सकते हो सर, मोबिलिटी नॉलेज वाले में हमारा परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट बोलता है, परफेक्ट कंपटीशन नाम ही है परफेक्ट, तो परफेक्ट ही बोलता है। बाकी दोनों देखो ना, दोनों पॉइंट्स में आप क्या देख रहे हो सर, इम्परफेक्ट। क्या वर्ड लगा है सर, दोनों जगह पे इम्परफेक्ट। मोबिलिटी में इम्परफेक्ट मोबिलिटी, नॉलेज की जब बात करेंगे सर इम्परफेक्ट नॉलेज। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है हर एक बच्चे का? एक पॉइंट एक्स्ट्रा ध्यान रखना, पहला मीनिंग पार्ट आप लोग लिखोगे, मैंने मीनिंग लिखा नहीं है, उसके बाद पॉइंट टू थर्ड फोर्थ जिस तरीके से डिस्टिंग आपको दिखेगा वो लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे सर, पॉइंट नंबर 8, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन सर बोलते हैं नील है, और इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन जब मैंने पढ़ाया तो वहां पे क्लियर मेंशन कर रहा था परफेक्ट कंपटीशन हमारा प्रैक्टिकल क्यों नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट ऐड कर दिए गए हैं सर जो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकल। जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोलता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, मतलब जीरो। अगर तो प्रैक्टिकल सर ऐसा होता है क्या कि आप कैरेज आप जीरो कर दो, फ्रेट आप जीरो कर दो, लगा तो वो चार्ज ऐड होता है हमारे कॉस्ट में, अकाउंट्स में हमने पढ़ा है। बट ये मार्केट बोलते हैं हम नील लेंगे, क्योंकि हम ये अजम्पशन लेते हैं कि जो हमारी फर्म्स इंडस्ट्री है एक ही मार्केट में है, तो ऐसा हर जगह प्रैक्टिकल केसेस में नहीं दिखता है। बाकी दोनों मार्केट में सर हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगने वाली है। क्या सर? लगने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट सर डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल की बात करेंगे। प्राइस कौन से मार्केट में सेलर के कंट्रोल में होता है, कौन से मार्केट में नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन, नो कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में प्राइस कौन डिसाइड करेगा, याद होना चाहिए बच्चों को सर, प्राइस डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। और जो प्राइस डिटरमाइन हुआ, जो प्राइस फिक्स किया गया मार्केट में, वो हर एक सेलर को एक्सेप्ट करना पड़ता है।
सेलर अपनी मर्जी का प्राइस पे ही डिसाइड करता है। तो ये हो गया सर नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है। इसका एग्जांपल मैंने सबसे बेस्ट दिया था सर चेंबूर का, जो हमारा जेरोक्स मार्केट है ना, वहां पे जब आप जाते हो प्रिंटिंग की दुकान पे ना, तो वहां पे देखो रेट उनका हर एक दुकान का फिक्स रख दिया गया है। वो अपनी मर्जी से प्राइस को कम या फिर ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में वही रेट डिसाइड किया गया है। मोनोपोलिस्टिक में पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, कंट्रोल तो है सर बट कंप्लीट नहीं है। आप अपनी मन मर्जी का प्राइस नहीं चार्ज कर सकते हो। ऐसा अगर करोगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है हमारे मोनोपोलिस्टिक में, अगर आपने थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट किया तो डिमांड पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा। मतलब सर पार्शियल कंट्रोल है और मोनोपोली अकेले हैं तो मन मर्जी का प्राइस, मतलब फुल कंट्रोल, खुद डिसाइड करेंगे सर कितना रेट रखना है, कितना प्राइस रखना है, मतलब फुल कंट्रोल है प्राइस पे। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व ये बोलता है हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी रहेगी। क्यों रहेगी सर? क्योंकि प्राइस हमारा फिक्स है, आपने देखा होगा ना, प्राइस फिक्स है तो डिमांड हमारी क्या रहेगी सर? कांस्टेंट ही होने वाली है। डाउनवर्ड विथ हाई इलास्टिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, और यहां पे डाउनवर्ड विथ लो इलास्टिसिटी। अब ये चीज आपने पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि नहीं सर? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक, इनइलास्टिक, पढ़ा है कि नहीं सर? बिल्कुल। और नहीं अगर पढ़ा है, उसका लॉजिक नहीं समझता, काफी बच्चे ऐसे उसका लॉजिक नहीं समझता सर, क्या ये प्राइस हाई चल रहा है, डिमांड इतना परसेंट लो हो रहा है, डिमांड इतना परसेंट लो हो रहा है, प्राइस इतना परसेंट हाई हो रहा है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझता है। तो मैं उनको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि जहां पे सब्स्टिट्यूट्स आपको अवेलेबल दिखते हैं, जैसे यूट्यूब पे, जैसे मैं बात करूँ यूट्यूब पे, बात करूँ ऑफलाइन कोचिंग में, हमारे पास सर बहुत सारे ऑप्शन है। कॉलेज में भी ऑप्शन था सर, कहीं भी अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जितना आपका परसेंटेज आया था डिग्री लेवल की आप बात करो सर। जब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हमारे पास होते हैं किसी भी चीज की, मैं बात करो चाहे लेक्चर्स की बात कर लो, चाहे क्लासेस की बात कर लो, चाहे कॉलेज की बात कर लो, चाहे किसी प्रोडक्ट की बात कर लो सर, जब प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा अवेलेबल रहेंगे ना, तो उस केस में सर हाई इलास्टिसिटी होता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्यों सर? कैसे? बहुत सिंपल सा मैं बताऊं, अगर मैं अपनी प्राइसेस थोड़ा सा भी हाई कर दूं तो भाई कस्टमर, बहुत ज्यादा कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे हमारे सब्स्टिट्यूट्स पे, मतलब जो कोई और सर लेक्चर्स प्रोवाइड कराते होंगे वहां शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए सर, इसीलिए उसका रीजन यही है, हाई इलास्टिसिटी है। यहां पे लो क्यों है? मैंने प्राइस हाई किया, मोनोपोली मार्केट में अकेला सेलर हूं, मैं अकेला हूं, तो सर 1-2% का इफेक्ट होगा। बट यहां पे आपने सर प्राइस को इंक्रीमेंट किया ना, तो 30-40%, मतलब इंक्रीमेंट आपको ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू मोनोपोली का। इसीलिए यहां बोला जाता है कि लो इलास्टिसिटी है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बस यही एक कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो। कितने पॉइंट्स हैं? 10 पॉइंट लिखा है, मेनू को ऐड कर दो 11 हो गए, और भी पॉइंट्स हैं, बट नीचे कितना ऐड करेंगे सर? और इनफ है, इतना पॉइंट्स लिख के क्या बेनिफिट है? क्योंकि एग्जाम में तो सर हमको 7-8 का ही आएगा, 7-8 का ही आएगा, तो आपको पॉइंट्स भी 7-8 ही लिखना है, 8 मैक्सिमम लिखना है। क्लियर है? क्लियर है हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर है। देखो ना, जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया ना, इसको इस फॉर्म में नहीं लिखना है, ये तो समझाने के लिए लिखा था, बस इसी को सेंटेंस में आप ऐड कर दो। सेंटेंस में ऐड करने आना चाहिए, नोट्स के थ्रू हेल्प लेके आप कर सकते हो, और इजिली अपना 8 and 7 मार्क्स का हमारा लॉन्ग आंसर में डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, तो आराम से हमारा सर ये बेस्ट स्कोर करा के देगा। तो देखो फीचर से कितना बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, फीचर्स अब अगर हम लोग ने किया तो डिस्ट्रीब्यूशन एक बार सर रीड करते हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन रेडी हो जाता है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया, 3 क्वेश्चन पेपर बच्चों ने शेयर किया था, 3 में से 2 पेपर में आया है, और 21 डेज की सीरीज कंप्लीट होने के बाद मैंने ये भी बताया था, जितने भी कॉलेज के बच्चे पेपर शेयर करेंगे, पेपर एनालिसिस करा के दे दूंगा किस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ दिया जाए, तो 100 मार्क्स, मतलब 100% का पेपर कैसे कवर हुआ है 21 डेज की सीरीज में ही। मतलब 21 डेज की सीरीज आप फॉलो करो, कंप्लीट 100% क्वेश्चन आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ है तो ऐड करिए, नीचे ऐड कर दीजिए, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी मेंशन करिए सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जो बच्चे एवरेज मार्क्स का देख रहे हैं इकोनॉमिक्स में, 1 डे, मतलब डे 15 तक कवर करो बस। जो 100% देख रहे, तो आगे का टाइम अगर आपके पास है तो आगे का सीरीज देखना है, अदरवाइज मेरा सजेशन है डे 15 तक का बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आप करके जाओ, इकोनॉमिक्स में बेस्ट स्कोर करके आओ। क्लियर सर?
बिल्कुल। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके अलग अलग कॉलेज के अगर आपके फ्रेंड सर्कल होंगे या फिर आपके कॉलेज के फ्रेंड सर्कल जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको लिंक शेयर करिए, ताकि वो बच्चों को भी SY में प्लस FY का ये जो सेमेस्टर है उसमें बहुत सारा बेनिफिट इकोनॉमिक्स को लेकर मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।